तुझे पता है क्या? इधर राजा खड़ा होके बेगम को एक बात बोला था जो तू कभी नहीं बोल सकता। क्या बात? बेगम गेट आउट। ये तो आप भी नहीं बोल सकते। याद दिलाने का क्या जरूरत था? पकड़ो। शकल दिखा देते। आपको मालूम मैम, ये राजा ने इतना बड़ा महल कैसे बनवाया? कैसे कैसे? क्योंकि वो अपने कर्मचारियों से काम करवाते थे, दिन भर पीपीटी नहीं बनवाते थे। इतना बड़ा महल बनाने के लिए भी पीपीटी बनाया होगा, पीपीटी के बिना नहीं होता है काम। राजा जो है वो यहीं से घोड़ा लेकर के निकला करते थे, ठीक है ना? आपको पता था ये बात? नहीं। हा? वही तो, गधों को कहां से मालूम होगा ये सब? गधा हो गया, घोड़ा का राजा का घोड़ा बोलकर हम गधा हो गया। तुम क्या है? अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा भी हो जाता तो भी ये महल तुम नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि तुम बोलते धंधो खराब चले, पीसा को नहीं। आप हाँ। तो मैसूर में बहुत सारे चप्पलें खरीदने वाली है। क्यों? मैसूर सैंडल फेमस है ना। इतना बकवास, तुम्हें सैंडल खरीदने मारेंगे। मैसूर गार्डन है, पता है ना? हाँ है। यहाँ पर आपके नाम का भी एक गार्डन बन सकता है। कैसे? महिषासुर गार्डन। इस बार दुर्गा पूजा में तुमको भाषण कर देगा। पता है आपको, यहाँ आकर के हम सिंगर बन सकते हैं मैम। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ तो मैसूर में गाऊंगा। मैसूर, मैसूर। यहाँ के राजा का सक्सेस का सबसे बड़ा कारण क्या था? क्या था? उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा था वी विल गेट बैक टू यू। उन्होंने ये भी कभी नहीं कहा था। नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं सुना।